तो यहां से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो चीजों को। दोस्तों दो चीजें अलग अलग हैं। आपने इस बात को शुरू करने के पहले मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि आपने एक पिक्चर देखी होगी पीके। कितने लोगों ने देखी? ओ चलो एक काम तो सिंसियरली करते। दोस्तों उस पिक्चर ने बहुत अच्छी तरीके से एक बात कहने की कोशिश की कि एड्रेस ही गलत है, एड्रेस ही गलत है, रॉन्ग एड्रेस। अब जिंदगी भर रॉन्ग एड्रेस पे डायल करें और डायल करने के लिए रोज 24 घंटे मेहनत करें और मंजिल पे नहीं पहुंचे, इसमें हमारी मेहनत में कमी, हमको डायलिंग नहीं आता है, हमको डायलिंग भी आता है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन यदि एड्रेस ही गलत है, नंबर ही रॉन्ग है, तो क्या नंबर मिलने वाला है? तो दोस्तों ये भी एक देखने की बात है कि हमारी सारी जिंदगी की सारी सफलताओं के बावजूद अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है। बुढ़ापा अकेला होता हुआ दिखाई देता है कि अपने परिवार वालों के संग, सबके संग हंसी खुशी के साथ बीतता हुआ दिखाई देता है। पति पत्नी के बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि विवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना। और धीरे धीरे रिश्तों की हम उस जगह में आ गए हैं कि अब तो लिव इन रिलेशनशिप हमको ठीक लगने लगा है। जब तक बनती है तब तक साथ रहा जाए, जब तक नहीं, जब नहीं बनती है तो अलग हो जाया जाए, और अलग होने की कड़वाहट को भी ना झेला जाए, इसलिए शादी के पहले ही तलाक की शर्तें भी तय हो जाएं ताकि कल को कानूनी दांव पेच ना पड़े, हम यहां तक सोचने लगे हैं। तो दोस्तों साधन के बारे हमको जो कॉन्फिडेंस आया है, वो कॉन्फिडेंस हमको संबंध के बारे भी आ जाए। साधन के बारे जो कॉन्फिडेंस हमको आया है, वो कॉन्फिडेंस हमको संबंध के बारे भी आ जाए, तो जिंदगी खिल उठे। जिस अपेक्षा में जिंदगी की शुरुआत की है, जिन ऊंचाइयों को हम जिंदगी में जीना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों को अपने परिवार में, अपने में, जमीन पे उतरता हुआ देख सकें, आने वाली पीढ़ी को वो जीवंत हम में दिखाई दे सकें, दोस्तों इससे कम में अपना तृप्ति नहीं है। इस तृप्ति के लिए इन दो शब्दों को पहचानना नितांत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है कि जिंदा रहना, जिंदा रहना और जीना, ये अलग-अलग है या एक ही चीज है? जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है। ये बात क्लियरली हम तक पहुंचे। दोस्तों कितने लोगों को लगता है कि जिंदा रहना और जीना अलग-अलग है? हाथ उठाइए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, गुड। ऐसा हम सब मानते ही हैं। मैं आपके भाव को बोर्ड पे लाने की कोशिश करता हूं। देखिए जिंदा रहने की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये समझ में आता है कि हमारे सुखी होने का आधार मिनिमम आहार, निद्रा, भय और प्रजनन क्रिया के रूप में, ऐसा मानव में भी है, ऐसा पशुओं में भी है, और अपनी पहचान का आधार, अपनी पहचान का आधार। मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक तो वो सुखी होने की तलाश में कुछ करता है, दूसरा पहचान की तलाश में करता है। पहचान भी अंततः उसके सुखी होने की एक तलाश है। आप पहचान के रूप में देखें तो फिर चार कंपोनेंट हैं, रूप, बल, धन, पद, और चौथा कंपोनेंट, पांचवा कंपोनेंट बुद्धि है। यहां बुद्धि शब्द का अलग मतलब है, तो कृपया इसको कंफ्यूज ना करें। तो मिनिमम हो गया कि हम शरीर को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक सामान है उनके साथ हैं, उसके आगे हमारा कोई रूप है, शरीर का बल है, धन है, पद है, ये सब हमारे पास है किसी ना किसी रूप में, सामाजिक पद हो या प्रशासनिक पद हो। इसके बावजूद भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, कि यदि हमारे सारे सफल प्रयासों के बावजूद भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती है, तो जीने की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? जीने की कंपनी लॉस में है। एक और चीज देखें तो हमने ये भी देखा कि संबंध में गिला शिकवा शिकायत उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता गया। अभाव की मानसिकता दूसरों को देखकर अपने आप को, ये बड़ा तगड़ा झंझट है।
ये बड़ी तगड़ी पीड़ा है जिसको हम दूसरों से बोल भी नहीं पाते, है ना। दूसरों को देख के अपने आप को छोटा महसूस करना, चाहे शक्ल को देख के करना कि बाल को देख के करना कि कपड़े को देख के करना कि गाड़ी को देख के करना कि पद को देख के करना, किसी भी आधार पर अपने को दूसरे से छोटा महसूस करना, ये ऐसी पीड़ा है जो दिन में मैं 24 बार मरता हूँ, 2400 बार मरता हूँ। तो दोस्तों, अपने भीतर अभाव की मानसिकता भी हमारी पीड़ा है। तो कितना भी हमारे पास रूप आ गया, बल आ गया, धन आ गया, पद आ गया, है ना, ये सब के साथ हम हैं ही हैं, उसके साथ साथ ये फ्री में मिला हुआ सामान है जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है ना, एक के साथ तीन फ्री एक के साथ में ये हमारे जिंदा रहने का स्वरूप है, इसके साथ में तीन चीजें फ्री हैं। दोस्तों, ये हमारी आवश्यकता है शरीर के जिंदा रखने के लिए, आहार निद्रा भय मैथुन गलत नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। रूप बल धन पद हमारी आवश्यकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ और भी है जिसके अभाव में ये तीनों फ्री में जो चीजें हमारे गले पड़ी हैं, ये हमारे गले में पड़ी हुई हैं। तो जीने का स्वरूप क्या होगा? तो अभी हमने कम से कम ये निकल के आया, कम से कम ये निकल के आया कि अभाव के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, भय के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, और असुरक्षा के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है, अनिश्चितता के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है। तो दोस्तों, एक बात समझ में आई, यदि जीना होता है तो किसके साथ, क्या क्या जीना नहीं होता है, ये हमने देखा।